हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज हम इस वीडियो में पेड़ की देवी की सच्ची कहानी पढ़कर इसके बारे में कुछ प्रश्न करेंगे और समय के बारे में जानेंगे कि समय कैसे आगे बढ़ता है और अंकों को समय रेखा पर दिखाना सीखेंगे। चलिए पढ़ते हैं। मेरी समय रेखा, मेरी कौन है यहाँ पर? पेड़ की देवी। मेरा नाम पेड़ की देवी है। मैं धनबाद जिले झारखंड के एक गांव में रहती हूँ। मुझे कभी भी स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। मुझे याद है जब मैं 5 साल की थी, मेरा पैर टूट गया। मैं पेड़ पर जामुन खाने के लिए चढ़ रही थी, लेकिन टहनी टूट गई और मैं गिर गई। अभी भी जाड़े में मेरे पैर में तकलीफ होती है। जब बकरी चराने जाते थे, हम अक्सर खेलने लग जाते थे। एक बार जब मैं 10 साल की थी, मुझे बहुत ज्यादा डांट सुननी पड़ी। मुझसे एक बकरी गुम हो गई थी। 15 साल में मेरी शादी हो गई। मेरा पति मुझसे काफी बड़ा था। मेरी शादी के 3 साल बाद मेरी पहली लड़की ने जन्म लिया। बाद में मेरे 3 और बच्चे हुए। जब मैं 20, 22 और 24 साल की थी। उसके बाद समय तेजी से गुजरता चला गया। मैं अपने खेत, घर के काम और बच्चों की देखभाल में लगी हुई थी, पर 35 साल की उम्र में मेरी दुनिया थम सी गई। मेरा पति बीमार हुआ और मर गया। उसके भाइयों ने हमारे खेत को छीन लेने की काफी कोशिश की। उन्होंने मुझे बुरी तरह मारा और कहा कि मैं डायन हूँ। कुछ भले लोगों ने मुझे बचाया। जिन लोगों ने मुझे मारा था, मैंने उनके खिलाफ एक केस लड़ा। 40 साल की उम्र में मैंने पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। जब मैं 45 साल की हुई, तब मैंने पढ़ना लिखना सीखा। 2 साल बाद मैंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी की। अब मैं 50 साल की हूँ। मैं अपने नाती के साथ खेलना पसंद करती हूँ। नाती आपको पता है कौन होता है? जो उसकी बेटे का बच्चा, वो नाती है। तो क्या कहते हैं, मैं अपने नाती के साथ खेलना पसंद करती हूँ। मेरे 2 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें जो पेड़ की देवी की जिंदगी में हुई, वे यहाँ नीचे दी गई हैं। यहाँ पर इसे उसकी समय रेखा पर बनाओ। ये समय रेखा आपने इस पर दर्शाना है। उदाहरण के लिए, जब वह 5 साल की थी, पेड़ की ने अपना पैर तोड़ लिया, तो हम समय रेखा पर 5 पर क का निशान लगाएं, क्योंकि ये देखो यहाँ पर क लिखा हुआ है। क पर लिखा हुआ है पैर टूट गया, 5 पर हमने इसलिए क का निशान लगाया। एक बकरी खोदी। बकरी कब खोदी उसने? 10 साल की उम्र में। अभी हमने पिछले पेज पर कहानी दी हुई थी, वो पढ़ी, तो उसमें क्या था कि 10 साल की उम्र में उसने बकरी खोदी, जिसकी वजह से उसने बहुत डांट सुननी पड़ी। तो यहाँ पर आप ख लिख देंगे। शादी हुई। अब उसकी शादी कब हुई थी? उसकी शादी 15 साल की उम्र में हुई थी। ये आप पीछे लिखा हुआ है, आप पढ़कर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर 15 और यहाँ पर ग पार्ट लिखेंगे। चौथे बच्चे का जन्म हुआ। चौथे बच्चे का जन्म उसका 24 साल की उम्र में हुआ था। तो यहाँ पर 24 के ऊपर घ पार्ट लिखेंगे। पहली बार पुलिस स्टेशन देखा। पहली बार पुलिस स्टेशन उसने 40 साल की उम्र में देखा था। तो यहाँ पर हम अंग पार्ट लिखेंगे। पढ़ना लिखना सीखा। पढ़ना लिखा उसने 45 साल की उम्र में सीखा। तो आप 45 लिखकर और यहाँ पर आप च पार्ट लिखेंगे। सबसे बड़ी लड़की की शादी 2 साल बाद हुई। अब 45 साल यहाँ पर लिखा हुआ है। जब मैं 45 साल की हुई, तब मैंने पढ़ना लिखना सीखा। 2 साल बाद मैंने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी की। अब 45 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 47। तो यानी कि हम अब 47 साल की उम्र में उसकी सबसे बड़ी बेटी की शादी हुई। तो अब हम 47 पर 6 पार्ट लिखेंगे। चलिए नीचे देखते हैं। समय रेखा पर बनाओ कि उसका जन्म कब हुआ। अब जन्म के साथ ही समय रेखा शुरू होती है, तो इसलिए यहाँ पर 0 लिख के हमारा आएगा। और यहाँ पर आपने क पार्ट लिखना है, क्योंकि ये क पार्ट है। पैदा होने के तुरंत बाद पेड़ की कैसी लगती होगी, उसका चित्र खाली खाने में बनाओ। ये खाली खाना है, इसमें आपने चित्र बनाना है। अब आप यहाँ पर बनाएंगे इस प्रकार से। अब उसको आपने लेटा हुआ बनाना है।
तब तक तो वो चलना नहीं सीखी होगी, तो आप इस प्रकार से उसकी पिक्चर बना सकते हैं। आप इससे अच्छी पिक्चर भी बना सकते हैं, आप खुद उसको बनाएंगे। अपनी समय रेखा पर बनाओ, अपने आसपास के लोगों से पूछो और अपनी जिंदगी के हर साल में हुई कम से कम एक घटना को लिखो। यह आपने खुद करना है। जिन लोगों को तुम पसंद करते हो उनकी समय रेखा बनाओ। ये लोग तुम्हारे परिवार के लोग, दोस्त, शिक्षक हो सकते हैं। ये क्वेश्चन भी आपने खुद करना है। तो ये दो क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम पेज नंबर 110 और 111, यानी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो धन्यवाद।